लॉकडाउन की मार के साथ रही सही कसर को यमुना नदी के बड़े जल स्तर ने पूरी कर दी है। बागपत में तरबूज और खरबूजा की खेती को भारी नुकसान हुआ है। यमुना के बड़े जल स्तर ने फसल को तबाह कर दिया है। अब जो बची थी वो लॉकडाउन में बेकार हो रही है। मंडियों के बंद होने से तरबूज और खरबूजे को किसान बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन कश्यप जी। लॉकडाउन का क्या फर्क पड़ रहा है तरबूज और खरबूजे की फसल पर? लॉकडाउन से ये फर्क पड़ रहा है कि मंडी नहीं खुल पा रही है। मंडी में हमारा माल जाएगा तो बिक भी नहीं पा रहा है, क्योंकि बाहर के ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, ना ही हमारा माल दिल्ली जा पा रहा है। जा रहा है तो रास्ते में से उल्टा जा रहा है बाजी पर, और मंडी में धरा धरा माल सूख के लग रहा है। यहाँ पर की जो आप लोग देख रहे हैं, सारा बेल पे माल सूख रहा है। इधर से ही कर्जा मुक्त होना पड़ेगा इसमें जाके। दरअसल बागपत का तरबूज और खरबूजा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ यमुना खादर में करीब 25 गांव के किनारे तरबूज और खरबूजे की फसल होती है। दोनों फलों का समय आते ही किसान भी तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ के तरबूज और खरबूजों को दिल्ली सहित देश विदेश में भी भेजा जाता है। किसान के चेहरे पर इस बार अधिक फसल होने की खुशी थी, लेकिन यमुना में पिछले दिनों जल स्तर अधिक हो गया था, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। उसके बाद जो फसल बची थी उसे बाहर भेजने की तैयारी थी, लेकिन वो भी लॉकडाउन में फंस गई, क्योंकि बेल भी सूख के लग रही है। लॉकडाउन के कारण माल नहीं जाएगा तो फिर खेत की रखवाली भी नहीं कर पा रहे ढंग से, मंडी में नहीं जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्या लागत आई तुम्हारी इस पर? हमारी लागत इसमें 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। लागत जो तक किया 40,000 रुपये का बीज है, इन्हों मान लो इसमें कई 2-3 किलो बीज लग जाता है, खरबूजे का भी और मतिये पेठे चकाई ये सब में पेठे चकाई तो बह चुकी है, और जो कि तरबूज और ये कतीरे आज तक भी धरे हैं ऐसे ही। जमनाने के बाद कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? जमनाने के बाद हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ये दूर तक देख रहे हैं ना, जहाँ पे आदमी खड़े है, ये बुग्गी से पर तक चौकी पर प्लेज थी हमारी, आधी कट चुकी है जमना से। और कि फिर दोबारा हम बीज लाए लॉकडाउन के कारण, कर्जे पे पीछे ले गए, उसमें भी ये कट चुका है, ये भी बेल चलने वाली है। फिर बता दें कि तरबूज और खरबूज बाहर नहीं जा पा रहे हैं और किसान की आंखों में आंसू हैं। किसान परेशान है कि कैसे फसल की लागत निकल सके, क्योंकि किसानों ने कर्ज पर लेकर फसल तैयार की थी। अब लॉकडाउन में तरबूज और खरबूजा इस तरह फंसा कि उसे यमुना में ही फेंकना पड़ रहा है। वो बाहर न जा पाने के कारण खराब हो रहा है। अब बरसात से भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि कर्ज लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन मंडियों के बंद होने से फल बाहर नहीं जा पा रहा है। लोकल में इतनी खपत नहीं है, अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज तक नहीं उतार पाएंगे। बहुत नुकसान है हमारा, जमुना में सब खेती खराब होगी। बोल भैया, कुछ मंडी में खेती कुछ सोगी कुछ खराब होगी, लॉकडाउन से बीज नहीं मिला, बहुत नुकसान है। मंडी में नहीं जा रही हमारी, मंडी में नहीं जा रही लॉकडाउन के उस तरह, और सारी फसल सूख गई और हम परेशान हो रहे, बहुत गरीब आदमी मारे जा रहे। देश भर में किसानों का एक जैसा हाल है। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों को उगाने वाले किसानों को नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार कई दिन पहले राज्यों को बाजार हस्तक्षेप लागू करने को कहा था, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये योजना जमीन पर उतर ही नहीं पाई, जिसका नतीजा किसान भुगत रहा है। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।